हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कार्निवल व्लॉग में। आज अभी हम लोग आए हुए हैं ड्रैग रेस करने के लिए। चार चार अपने पास में अलग अलग सेगमेंट की स्कूटियां हैं और अभी जहां पे हम लोग खड़े हैं ये कोई नॉर्मल ट्रैक नहीं है दोस्तों, ये ट्रैक है जिसपे प्लेन उतरती है, यानी काफी चौड़ी ट्रैक है, पूरे सेफ्टी का ध्यान रखा जा रहा है दोस्तों। और चलिए आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं बाकी सारी गाड़ियां से। इस साइड में आप जो देख रहे हैं एक्टिवा 6Z है होंडा की तरफ से आने वाली, मेरी अपनी ओला S1 प्रो, और इस साइड में है ओला S1 X, और उस साइड में है यामाहा रे ZR। तो चार चार अलग अलग सेगमेंट्स की गाड़ियां हैं, अभी देखते हैं कौन आगे निकलता है। आप लोग कमेंट करके पहले बताइए कि आपको क्या लगता है कौन आगे निकलने वाला है दोस्तों। सभी लोग अपने टॉप मोड पे पहले चलाने वाले हैं, दो अभी कोशिश करेंगे दोस्तों, दो आपको दिखा दें, एक जो एकदम ये है टॉप का स्पीड है सारी गाड़ियों का वो, और एक नॉर्मल पे कोशिश करेंगे दोस्तों। और पहले भी हम लोग सबसे टॉप पे करने वाले हैं, यानी अपने ओला हाइपर मोड पे होने वाली है, ये गाड़ी भी अपने टॉप के सेटिंग्स पे होने वाली है। बाकी भाइयों का पेट्रोल गाड़ी है तो उनको तो खुद से मैनुअली करना पड़ता है। चलिए स्टार्ट करते हैं रेस को। 3, 2, 1, GO! ओ भाई, ओला अभी पीछे रह गई S1 प्रो, सबसे आगे तो गई, अभी मैं निकल रहा हूँ, ओला S1 प्रो निकल रही है, यामाहा पीछे है। ओ भाई, ओला S1 प्रो भाई, मेरे को भी टक्कर दे दिया यार उसने तो। तो दोस्तों स्टार्टिंग में जब मैं उधर से निकला तो मैं हाइपर मोड एक्टिवेट करना भूल गया था, नॉर्मल मोड पे निकला तो मैं सबसे पीछे रह गया। बट फाइनली फिर जैसा कि जानते हैं ओला S1 प्रो जीतने की आदी हो चुकी है, बार बार जीत जा रहा है, मजाक में जीत जा रहा है, क्या बोलना चाहिएगा। लेकिन इतना जो मैंने आपको मतलब बताया था अपना दिल का फीलिंग्स की जो मेरी बनी है वो पीछे नहीं होने वाली, स्टार्टिंग में वो निकल गई, सबसे आगे निकल गई यार, यामा भी कुछ नहीं कर पाई, ओला भी कुछ नहीं कर पाई, था वो उस समय अपना स्कूटी तो शायद निकल गया। और बोल रहे भैया नॉर्मल मोड, लेकिन इनको कभी नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूंगा, इनको हाइपर मोड दिया जाएगा, फिर भी बोलूंगा एक बार आप आगे निकल के दिखाओ स्टार्टिंग में, ठीक है, वो कभी नेक्स्ट पार्ट में आएगा, ठीक है। और इनसे पूछते हैं क्या बोलना चाहते हैं बताइए। ओला तो फिर निकल ही गई पहले आगे भैया, आप कितना भी बोल लीजिए। क्या बोला तूने? ओला तो फिर निकल ही गई पहले आगे भैया, आप कितना भी बोल लीजिए। आप कितना भी बोल लीजिए एक्टिवा के बारे में, और स्टार्टिंग में आगे निकलने से क्या होगा। बात तो सही है बिल्कुल, और इस वाले ओला को हम लोग जरा भी अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, काफी कम उससे काफी कम प्राइस में आती है। बट परफॉर्मेंस वाइज मैं मतलब पर्सनली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये ओला इतना बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के दे पाएगी, बट आपको कैसा फील हो रहा है? फील तो भाई देखिए मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग काफी बढ़िया परफॉर्म कर रही है, ऐसा नहीं है कि भाई किसी से कम है, मतलब पेट्रोल वाले कोई भी स्कूटी के अकॉर्डिंग पेट्रोल वाले को एकदम ऐसे ऐसे हवा दिखा रही है। चलिए दोस्तों, तो कैसा लगा आपको ओवरऑल ये आज का ड्रैग रेस, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं, और बाकी किस बाइक के साथ किस स्कूटी के साथ में नेक्स्ट ड्रैग रेस करना चाहिए कमेंट्स में अपनी राय लिख सकते हैं दोस्तों। चलिए आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक लिए कीप सपोर्टिंग कीप वॉचिंग।